हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज गाइड करें आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन, सो कार्ड्स सारे दिखे आपको, ऐसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज है, सबसे पहले जो डीपेस्ट फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई है वो ये कि आपके पर्सन आपके सामने बहुत रूड है, आपके सामने बहुत स्टबर्न बनकर बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। आपको फ़ोन ना करना, आपको मैसेज ना करना, आपको कॉल ना करना, आपको ऐसे शो करना कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ये आपको ऐसा अंदर से लग रहा होगा कि शायद ये आपको भूल चुके हैं, इन्हें आपकी कोई फिक्र नहीं है, ये कभी सामने से एफ़र्ट्स नहीं लगाते या नहीं लगाती, आपसे शादी करने के बारे में भी ये सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, दिन भर आप सोचते हैं बट क्या ये आपके बारे में सोचते हैं, ये सारे थॉट्स आपके मन में आते होंगे इनकी एनर्जीज़ को देखकर। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है या हो सकती है जिसके कारण ये आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, बट एक्चुअली में ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये जब तक आपको कमिटमेंट ना दें, जब तक ये श्योर ना हो जाएं कि हाँ मैं इस लड़की या इस लड़के के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ या आगे बढ़ने वाली हूँ, मेरी लाइफ में मैं ये श्योर हूँ, तब तक ये आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहते, किसी इल्यूजन में नहीं रखना चाहते। तो यहाँ पर इनकी डीपेस्ट फीलिंग में ये है कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो कि मैं इस रिश्ते में एक्शन ले सकूँ, किसी को प्यार का वादा करके मैं पीछे ना हट जाऊं, मेरा क्या इम्प्रेशन रहेगा उस व्यक्ति के सामने। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हैं बिकॉज़ वी हैव गॉट द लवर्स। इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ भगवान ने आपको मिलाया है इस धरती पर। जिस पर्सन का इनको बचपन से एक थॉट था कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये खूबियाँ होनी चाहिए, मेरी इतनी केयर करने वाला होना चाहिए, मेरे लिए रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, तो वो सारी खूबियाँ आपके अंदर है। लॉयल, डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की वाइब्स, तो ये जो भी क्वालिटीज़ हैं ये सब आपके अंदर है, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहीं आपको चोट ना पहुंचा दूं, मैं कहीं आपको जाने अनजाने हर्ट ना कर दूं, तो इससे अच्छा है दूर रहो, जब तक मैं श्योर ना हो जाऊं तब तक मैं आपका किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा ना उठाऊं। तो ये इनकी डिज़ायर है और यही इनकी फीलिंग्स है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैं लव लाइफ में इतनी ताकत इकट्ठा करूँ कि शादी कर सकूँ, कमिटमेंट दे सकूँ, इस रिश्ते में एक सॉलिड एक्शन ले सकूँ, आपको इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकूँ, ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। और जिस दिन इनको लगेगा कि हाँ इस फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये एक्शन ले सकते हैं, उस दिन इनको देर नहीं लगेगी आपके लाइफ में रिटर्न आते हुए। ये आपको जितना आप कहते हैं ना कि आप तड़प रहे हो इनके लिए, तो इनका भी हाल ऐसा ही है। ये भी रात में रोते हैं, तड़पते हैं, ये किसी को दिखाते नहीं हैं, ये कोई स्टोरी या स्टेटस में दिखावा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये दिल से आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ये भी सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड होके, लेकिन इनको ये उम्मीद है कि आने वाला समय आप लोगों की लव लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आएगा, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को सोचकर ये वीडियो देख रहे हों या अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सोचकर, बट यहाँ पर जो वाइब्स हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं।
आपको अभी देखकर सिचुएशन ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, रीडिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन वाइब्स यहाँ पर ये हैं कि ये ऑपोजिट इसीलिए है क्योंकि इनको सामने से पेशेंस रखा हुआ है, इन्होंने सही समय का वेट कर रहे हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं आपके तरफ। अगर अभी इस वक्त ये यूनियन को लेकर सोच रहे हैं तो देखिए यूनियन की वाइब्स भी आ गई, ये यूनियन को लेकर सोच रहे हैं और आने वाले समय में यूनियन होगा भी। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है। जैसे जैसे हम 8-8 पोर्टल के करीब पहुंचेंगे, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होंगे, ये एनर्जीज हैं। यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं उससे दूरियाँ बनेंगी आपके पार्टनर की, कार्मिक रिलीज होंगे, इमोशनली विड्रॉ करेंगे नेगेटिव सिचुएशन से। आपके लिए कितने इमोशंस हैं इनके दिल में, कितना प्रोटेक्टिव फील करते हैं, आपको खोने से कितना डरते हैं, ये सिचुएशंस भी आपके सामने आने वाली हैं बहुत जल्द। मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ। मतलब यहाँ पर डिवाइन जो भी सेपरेशन हुआ है वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है, और आने वाले टाइम में जो यूनियन होगा वो भी डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। सो यहाँ पर 8-8 की वाइब्स है, साथ ही साथ यहाँ पर जो वाइब्स है वो यूनियन की है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की है, कंप्लीशन ऑफ योर साइकिल, जो भी आपकी साइकिल चल रही है आपके पार्टनर के साथ उसके कंप्लीशन की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस कॉल्स तो रिसीव होंगे ही। आपके रिलेशनशिप में जो स्टेगनेंट सिचुएशन थी, जो चेंज नहीं हो रही थी, आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि उस सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, और ज़्यादातर ये जो चेंजेस हैं ये पॉजिटिव हैं। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? आप में से ज़्यादातर लोग परेशान हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली इश्यूज़ को लेकर, लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर, सोलर प्लेक्सिस ब्लॉकेज के कारण ब्रेकअप हुआ है रिलेशनशिप में। आने वाले टाइम में थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ये सारी सिचुएशंस रिजॉल्व होंगी, पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर होगा, और आप मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव, चाहे पास्ट कैसा भी हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको मैसेजेस भी रिसीव होंगे, और आपके पर्सन आपके लिए बेधड़क होकर स्टैंड भी लेंगे। तो यहाँ पर मूवमेंट में क्या एनर्जीज होंगी वो भी आपको एंजल्स ने गाइड किया है, ताकि जिस जिस सिचुएशन से आप जूझ रहे हैं वो सिचुएशंस में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस रीडिंग को देखने के बाद। ज़्यादातर 2 दिन के अंदर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। प्रेजेंट में रहिए, बहुत ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, अभी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन को इन्जॉय कीजिए, जॉय के साथ प्रेजेंट की एनर्जी आई है। जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए, जो अभी चल रहा है उस पर फोकस कीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने अंदर ही घुट रहे हैं तो किसी न किसी को एक्सप्रेस कीजिए आपकी भावनाएं, जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, अपने दोस्त से या किसी अपने से, और अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन आप उनसे भी पूरी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं तो एक्सप्रेस योरसेल्फ। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप डिज़ायर कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए, एंजल्स को, यूनिवर्स को पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए ताकि वो चीज़ें अट्रैक्ट हों आपकी लाइफ में। ऑनेस्ट रहिए, और अगर आप ऑनेस्ट हैं तो सिचुएशन आपके फेवर में ही होगी। जो भी सिचुएशन आने वाले टाइम में आपकी तरफ आने वाली है उसको एक्सेप्ट करिए, ये भी यहाँ पर गाइडेड मैसेज आपके लिए आ रहा है। सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स भी नज़र आ रही हैं, एक्शन की एनर्जी है, करेजियस डिसीजंस आपके सामने आपके पार्टनर लेने वाले हैं, मेजर चेंज ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरगिवनेस। कुछ ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों की लिए माफ़ी मांग रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं आपको कि आपने उनका साथ नहीं छोड़ा। काफ़ी इमोशनल मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव हो सकते हैं, और आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल नज़र आएंगे आपको, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक आपको लगेंगे आपके पार्टनर, कि अब मैं रेडी हूँ टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सो ये थी गाइज आज की रीडिंग. होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेड मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे इस रीडिंग के माध्यम से. टाइमलेस रीडिंग है गाइज. जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, कोई ना कोई मैसेज आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलेगा. वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया कीजिए. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. मिलते हैं कल मॉर्निंग में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.